फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति एजुकेशन सेंटर। क्वांटिटेटिव एटीट्यूड हमारा शुरू हो चुका है, जिसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम पर लास्ट वीडियो में यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट समझाया था। उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आज मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट और एनी वीडियो। तो चलिए यूनिट डिजिट के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट? आपको एक प्रोडक्ट दे रखा है 81 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 83 से 89 तक, जो ये डॉट डैश है, इसका मल्टीप्लाई करके जो उसकी लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट आएगी आपको बतानी है। तो अब आप इस पर लॉजिक खुद लगाइए, पहले मेरी वीडियो को पॉज करके खुद लॉजिक लगाइए फिर बताइए। बहुत मतलब एक कहते ना चुटकी बजाते ही होना, वो वाला काम है। एक सेकंड नहीं सोचना आपको। देखिए मैं आप आई होप अब आपने पहले कर लिया होगा, नहीं आ रहा तो मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए इसमें क्या कह रहा है वो, 81 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 84 भी होगा, 85 भी होगा और यहाँ से लेके 89 तक। एक बात बताइए, 5 का किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा, और अगर एक बार जीरो आ गई तो यूनिट डिजिट में जीरो हमेशा रहेगी। कितना सिंपल था। तो इसका ऑप्शन ए जीरो इज करेक्ट। आपको समझ आ गया ना? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो साथ के साथ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी जरूर बताऊंगी जो भी डाउट्स होंगे, और अगर ज्यादा डाउट्स होंगे तो फिर से इसका कॉन्सेप्ट समझाते हुए क्लियर करूंगी। तो ये आपका हो गया 5 एक बड़ा शैतान बच्चा है, किसी से भी इसको मल्टीप्लाई करो इवन नंबर से, जब ये मल्टीप्लाई होगा 5 × 4 = 20 जैसे, तो जीरो आ जाएगा ना, और एक बार जीरो आ गया तो यूनिट डिजिट हमारी जीरो। कुछ करना ही नहीं था इसमें। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, अब यूनिट डिजिट हमें बतानी है। ये हमारा प्रोडक्ट दे रखा है 274 मल्टीप्लाई 318 मल्टीप्लाई 577 मल्टीप्लाई 330। तो अब इसमें बताइए यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट हमें बतानी है तो सिर्फ यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि हमें लास्ट वाली डिजिट ही चाहिए। तो 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, इसकी भी देखिए शॉर्ट ट्रिक, 4 × 8 = 32। तो आप 32 से पूरा नहीं, सिर्फ 2 लीजिए, 2 × 7 = 14 और 4 × 3 = 14 और 4 × 3 = 12 यानी 12 का 2। तो 2 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, ये बताना है आपको और ये एसएससी में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बॉड पास का रूल लगाते हुए मैं ये जो मल्टीप्लीकेशन वाला है ये वाला सॉल्व करूंगी ना पहले। तो 7 × 2, मैं यहीं से ही आपको बता रही हूँ, 7 × 2 = 14 यानी 4 हो गई यूनिट डिजिट 14 की, प्लस 9 इसमें कर दीजिए यानी कि 13 की यूनिट डिजिट 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ यूनिट डिजिट लेके चलना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसा नहीं है 7 × 2 = 14 तो पूरा 14 लेके चल रहे हो, नहीं, 14 का 4 और यहाँ 9 है ये, प्लस करके 3, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इन द प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब आप सिंपल क्वेश्चन तो कर लोगे, कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई में प्लस में यूनिट डिजिट लिखा जाए। इन द प्रोडक्ट 459 मल्टीप्लाई 46। अच्छा, और ये 28 के आगे जो एक और डिजिट होगी ये हमें पूरी नहीं दे रखी, और ये डिजिट ही हमें निकालनी है कि यहाँ पर इसकी यूनिट डिजिट कौन सी होगी 28 के आगे और × 484, ये 3 नंबर पूरे हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर जो उसकी यूनिट डिजिट आती है, यूनिट प्लेस की हम बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट प्लेस, वो 8 आती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको लिखकर बताती हूँ। यानी इसका सिर्फ 9 लीजिए मल्टीप्लाई, इसका 46 का 6 लीजिए मल्टीप्लाई 4 लीजिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई एस्ट्रिक, अब ये सब मिला के 8 आ गई यूनिट डिजिट सबकी। तो 9 × 6 = 54 का 4 हो गया, 4 × 4 = 16 16 का 6, ये यानी कि ये आ रहा है आपका 8। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसका हम ऑप्शन से करते हैं, डायरेक्ट ट्रिक में आपको बताती हूँ। ऑप्शन एक एक करके रख के देखिए, सबसे पहले यहाँ 3 रखकर देखिए, 3 रखकर यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। क्या इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 8, यानी कि ऑप्शन ए ही या फर्स्ट ऑप्शन ही आपका 3 करेक्ट बैठ रहा है। अगर आपको फर्स्ट नंबर पे नहीं मिलता, सपोज फर्स्ट नंबर पे आपका ऑप्शन 5 होता तो आप 5 रखकर देखते, तो आप यहाँ पर क्या रखते, 5 30 दे रहा है,
तो इसकी यूनिट डिजिट जो है पीछे जीरो आ रही है तो ये सेटिस्फाई नहीं करता ना, एट आनी चाहिए। तो हम ऑप्शन में से निकालेंगे वो कौन सा ऑप्शन है जिसका मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट एट आएगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए बहुत सिंपल था ये भी क्वेश्चन, यूनिट डिजिट ऑफ 13 की पावर 2003। अब यहां से 13 पावर वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको जस्ट अभी बताया था और कुछ नंबर्स की साइक्लिसिटी भी बताई थी जिनकी लंबी पावर हो, तो यहां पर आपको क्या करना है वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जो अभी मैंने आपको बताया है। अब यहां से आपके पावर वाले क्वेश्चन आ गए, यूनिट डिजिट पूछ रहा है 13 की पावर यानी 3 की पावर 2003 की। तो देखिए आप साइक्लिसिटी याद कीजिए, 3 की, 3 का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या होता था, चार नंबर होते थे 2, 3, 7, 8, इसको हम 4 से डिवाइड करते थे, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती थी, ठीक है। तो देखिए इसकी पावर पहले आप छोटी बना देंगे। अच्छा मैं आपको एक चीज यहाँ पर ही बता दूं, वहां पर मैंने जो नहीं बताई थी, आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, पर ये बहुत बड़ी पावर है, आप 4 से डिवाइड करोगे तो काफी टाइम वेस्ट होगा। हम जो 4 की डिविजिबिलिटी निकालते हैं ना, मैं आगे आपको डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी, आपको केवल मैं 4 का आपको बता रही हूँ, केवल लास्ट के दो नंबर का आप डिवाइड कर लीजिए, यानी 4 का 3 में आप कर लीजिए, 0 बार जाएगा और 3 आपको रिमाइंडर बचेगा, यानी 3 की पावर हो जाएगी आपकी 3, तो 3 3 9 3 27, यानी इसकी यूनिट डिजिट आपकी हो जाएगी 7, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिर्फ लास्ट 2 डिजिट का ही आप करिए ताकि आपका टाइम सेफ रहे, ठीक है। 4 का केवल लास्ट कितनी भी बड़ी पावर हो, सपोज 10 डिजिट और होती, 2 डिजिट और होती, टोटल 5-6 डिजिट हो जाती, तो भी लास्ट 2 डिजिट का केवल डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो वही पावर आपको 2 की लगा देनी है जो उसका रिमाइंडर बचता है, तो यहाँ 3 बच रहा है तो 2 की पावर 27, यानी कि हो गई 7, है ना। अगर आपने कॉन्सेप्ट मेरा अभी जो पढ़ा है तो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, ये आपको प्रोडक्ट दे रखा है और एसएससी मल्टीटास्किंग में ये आ चुका है, तो ध्यान से करिए इससे इस टाइप के क्वेश्चन यानी आते हैं। 7, सबसे पहले 2, 3, 7, 8, इसकी साइक्लिसिटी यानी कि 7 के लिए हम 4 को 71 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दो ही डिजिट है तो पूरा करना पड़ेगा, तो 1 जा 4, ठीक है, यानी यहाँ 3 बचा, तो यानी 7 की पावर हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 6 का कॉन्सेप्ट क्या होता था, 6 की कितनी भी बड़ी पावर हो पीछे हमेशा 6 आता था, तो ये तो डायरेक्ट हो गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 65। अब 3 का कॉन्सेप्ट क्या होता था, 3 की भी 4 से साइक्लिसिटी, यानी कि 65 का भी पावर छोटी करनी पड़ेगी, यानी कि यहां पर आपका आंसर आ गया रिमाइंडर 1, तो ये हो जाएगी 3 की पावर 1। तो देखिए यहाँ पर 7 को 3 टाइम आप करोगे, 7 7 49 3, तो 3 4 3, यानी पीछे आ जाएगा 3, और ये तो 6 3 18 हो ही जाएगा 8, यानी 24 का 4, पूरा 24 आएगा और इसकी यूनिट डिजिट क्या हुई 4, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इजी है, आपको नहीं समझ आ रहा मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उससे दोबारा पूछिए। अच्छा अब इसी तरह का एक और जिसमें पावर भी बहुत बड़ी है और जो नंबर जिस पर पावर है वो भी बहुत बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रखे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, तो सबसे पहले आप पूरे नंबर पर मत ध्यान दीजिए, आपको यूनिट डिजिट से मतलब है तो आप ध्यान दीजिए सिर्फ यूनिट डिजिट पर, यानी कि इसको आप ऐसे लिख लीजिए, मैं लिख के बता रही हूँ, एग्जाम में तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यानी कि हमने बना लिया नंबर छोटा 1 की पावर 4 9। अब मुझे एक बात बताइए, देखिए 4 की पावर कुछ भी हो, अगर ऑड या इवन हम ये देखते हैं, 4 की पावर जब ऑड होती है, जैसे 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर जब इवन ऑड होती है तो पीछे क्या आता है 4, इवन होती है तो 6, तो लिख देंगे ये पावर ऑड है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सर यूनिट डिजिट ये तो पता करना है, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, 5 का कुछ भी पावर हो 5 ही आएगा हमेशा, पीछे आप कितना भी लंबा कर लीजिए, और 1 का कुछ भी हो हमेशा 1 ही आएगा, आप कुछ भी कर लीजिए 1 मल्टीप्लाई 1 करते जाइए, बस कितना सिंपल बन गया ये, टोटल क्या आ गया मिलके 20, यानी लास्ट डिजिट इसकी हो गई ऑप्शन ए इज करेक्ट 0। कितना सिंपल हो गया, इतना बड़ा लग रहा था हमने इसे बना दिया छोटा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ नंबर, अब इसमें भी वही खेल है
और ये आपका एसएससी सीएचएसएल में आ चुका है, तो आप ध्यान से सुनिए 1570। अच्छा तो उसमें भी जीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये सब वन प्लस टू टू जा फोर प्लस थ्री थ्री जा नाइन, तो नाइन प्लस फोर हो गया थर्टीन और ऑप्शन हमारा फोर यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ वन भी रह गया था ध्यान से, ठीक है आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टू डिजिट नंबर द डिजिट एट यूनिट प्लेस। अच्छा अभी तक तो आपने सिंपल क्वेश्चन पढ़े थे पावर के यूनिट डिजिट वाले, अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये बरबर प्रॉब्लम्स की तरह आते हैं एग्जाम में, और मैंने तीनों ही क्वेश्चन एसएससी के लिए हैं जो पूछे गए हैं सीएचएसएल सीजीएल मल्टीटास्किंग में। तो देखिए इन क्वेश्चन को करने का पहले मेथड क्या है, पहले जस्ट मैं आपको पढ़ के बताती हूँ और हिंदी बताती हूँ, फिर आपको जैसा मैं स्टेप बाय बताऊँ पहले आपको क्या निकालना है वैसा ही अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको वही फॉलो करना है। तो देखिए इन अ टू डिजिट नंबर द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज लेस देन ट्वाइस द डिजिट एट टाइम प्लेस। आपसे कह रहा है टू डिजिट का एक नंबर है, बस अभी आप सुनिए समझने की जरूरत नहीं, सुनिए जो डिजिट है यूनिट प्लेस पर और जो टेंस प्लेस पर कैसे है, जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है अगर आप टेंस प्लेस को ट्वाइस कर दें और उसमें से माइनस वन कर दें तो हमारी यूनिट प्लेस डिजिट आ जाएगी, यूनिट डिजिट आ जाएगी, यानी कि अगर टेंस डिजिट पता हो तो यूनिट डिजिट उसका ट्वाइस करने पे और माइनस वन करने पर आ जाएगी। अब कह रहा है अब नंबर को इंटरचेंज कर दिया है, यानी कि टेंस की जगह यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट की जगह टेंस डिजिट, इसके बाद जो हमने नंबर बनाया है अब देखिए वो क्या कह रहा है आपसे, जो डिफरेंस है न्यू नंबर का ओरिजिनल, ओरिजिनल कौन सा था जो पहले वाली डिजिट थी और न्यू नंबर कौन सा था इंटरचेंजिंग पर, उसका जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, वो आपके इक्वल है अगर हम ओरिजिनल नंबर में से 20 माइनस करते हैं। तो देखिए अभी शायद आपकी समझ नहीं आ रहा होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक करके बताती हूँ। ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में आपको जैसे जो भी इंटरचेंजिंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे सबसे पहले आपको टेंस डिजिट मान लेनी है, ठीक है, लेट द टेंस डिजिट बी एक्स, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं है ना, और हमने एक बार टेंस डिजिट मान ली तो उसी के बेस पर यूनिट डिजिट निकाल लेंगे और इसके बाद हमें नंबर निकाल लेना है। सबसे पहले ये काम करिए, तो टेंस डिजिट को अगर हम एक्स मानते हैं सपोज, तो टेंस डिजिट को हम एक्स मान लेते हैं, तो यहां पर वो क्या कर रहा है यूनिट डिजिट क्या होगी भाई, यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट क्या होगी, ट्वाइस कर देंगे टेंस डिजिट का, जैसे कि यहां पर लिख रहा है यूनिट डिजिट प्लेस इज लेस देन ट्वाइस द डिजिट एट टेंस प्लेस, यूनिट डिजिट ट्वाइस हो जाएगी और उसमें से माइनस वन कर देंगे तो ये हमारी दो डिजिट मिल गई। अब हमें यूनिट टेन डिजिट पता चल गई, अब इसका नंबर निकाल लेते हैं, तो नंबर ये ओरिजिनल नंबर है अभी हमने कुछ भी नहीं किया, तो टेंस डिजिट में जब भी हम नंबर बताते हैं मैंने आपको बताया था थाउजेंड डिजिट होती है, तो थाउजेंड का मल्टीप्लाई प्लस हंड्रेड का मल्टीप्लाई प्लेस वैल्यू में बताया था ना, मेरी फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए आपको नंबर बनाना वहां से आ जाएगा। टेंस डिजिट में टेन का मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट में वन का मल्टीप्लाई, यानी इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सबका प्लस वन के हमारा एक नंबर प्रिपेयर होता है। तो टेंस डिजिट पर है तो किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, टेंस का प्लस टू एक्स माइनस वन, तो टेन एक्स ये आ जाएगा, टेन एक्स प्लस टू एक्स ट्वेल्व एक्स माइनस वन, तो ये हमारा आ गया ओरिजिनल नंबर। अब वो क्या कह रहा है आफ्टर इंटरचेंजिंग, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बस हम वही कर रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहे, तो ये क्वेश्चन करने का मेथड देखिए क्या है, पहले टेंस डिजिट को एक्स मानिए, फिर यूनिट डिजिट निकालिए, फिर उससे जो नंबर बनना है निकालिए, उसके बाद अगर वो इंटरचेंज का कह रहा है तो आफ्टर इंटरचेंज के बाद यूनिट और टेंस डिजिट को इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि टेंस डिजिट जो हमारी हो जाएगी इंटरचेंजिंग के बाद वो टू एक्स माइनस वन हो जाएगी, जबकि जो यूनिट डिजिट आपकी होगी वो एक्स हो जाएगी। आप फिर से न्यू नंबर निकाल लीजिए क्योंकि इसका नंबर तो अलग होगा, हमने डिजिट चेंज कर दी क्योंकि टेन ने टेंस का मल्टीप्लाई, तो टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स ये आपका आ जाएगा, आ गए न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर, ये आपके नंबर आ गए हैं। तो ध्यान रखिएगा यूनिट डिजिट टेंस डिजिट और हमें दो नंबर निकालने जहां भी इंटरचेंज वाला क्वेश्चन होता है। अब इसके बाद आप इक्वेशन देखिए क्या बनती है, इसके बाद सीधे द डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओरिजिनल नंबर, तो न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस कह रहा है, तो न्यू नंबर में से ओरिजिनल माइनस करेंगे क्योंकि पहले न्यू लिखा है, माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस वन, हाँ ये टेन है ना, ओके
21x माइनस 10, ये देखिए ये 10 है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो ये कह रहा है वही करिए, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, ओरिजिनल नंबर में से अगर हम माइनस 20 कर दें तो इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल रख सकते हैं। तो ओरिजिनल नंबर आपका क्या है, 12x माइनस 1 माइनस 20, यही है। अब देखिए फिर से ब्रैकेट ओपन कीजिए, अब 12x माइनस 21, अब इसको सॉल्व कीजिए, 9x सॉल्व करना तो आ रहा है ना, माइनस 9, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 3x और 21 में से 9 गए 12, ये आपकी इक्वेशन आगे सॉल्व करना आता है आपको, x की वैल्यू 4, यानी कि तुरंत इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, नंबर 47 होगा। ऑप्शन पर जाइए जो नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसकी टेंथ रिजल्ट हमने x मानी थी, x आ गई है, बस यहाँ पर ही आप अपना ऑप्शन लगा दीजिए। लेकिन अब मैं आपको करके बता रही हूँ, ठीक है, बिना ऑप्शन के मैं करके बता रही हूँ, वहां तो ऑप्शन दिया जाएगा लगा दो। तो इसकी अगर वो पूछ रहा है नंबर क्या होगा, तो नंबर क्या होगा, 12x 12 4 जा लिख दीजिए आप, ठीक है, 48 माइनस 1 47, भाई यही तो होगा ओरिजिनल नंबर में, पुट कर दीजिए आगे। लेकिन इतना सब हमें कॉम्पिटिशन में एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता चला नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें एक ही ऑप्शन है जो 4 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, कभी कभी ना आपको डायरेक्ट ऑप्शन में से भी मिल जाता है, करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं आपको बताती हूँ, जैसे वो कह रहा है कि यूनिट डिजिट ट्वाइस करके माइनस 1 है, तो आप ये देख लीजिए इसमें से कौन सी डिजिट है जो ट्वाइस करके माइनस 1 है। जैसे 5 है, तो 5 टू जा 10 माइनस 1 9, तो ये भी हो सकता है। 2 टू जा 4 माइनस 1 3, ये भी हो सकता है। अब 3 टू जा 6 माइनस 1 5, ये भी। तो उसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं पहचान पा रहे, हमारे डायरेक्ट सारे ऑप्शन बैठ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ जो क्वेश्चन में दिया जाता है टेंस डिजिट ये यूनिट, आगे आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा आएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैं आपको कॉम्पिटिशन में टाइम बचाना बता रही हूँ, किसमें हम बचा सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। By interchanging the digit of two digit number, we get a number which is 4 times the original number minus 24. If the unit digit of original number exceeds 10 digit by 7, then original number. तो इसमें सबसे पहले दे रखा है भाई, दो डिजिट नंबर को इंटरचेंज कर दिया तो हमें एक नंबर मिलता है जो ओरिजिनल नंबर में से अगर 20 माइनस करते तो उसका 4 टाइम्स है, और इसके बाद यूनिट डिजिट ओरिजिनल नंबर की 10th डिजिट से 7 ज्यादा है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, यूनिट और टेंथ डिजिट निकालनी है। इससे पहले देखिए, आप यहाँ देख लीजिए, इसमें लिख रहा है यूनिट डिजिट ओरिजिनल नंबर से टेंथ डिजिट से 7 ज्यादा है, तो उसमें से आप छांट लीजिए ऐसी कौन सी है, 2 प्लस 7 9, यहाँ मतलब हमारी ये भी ऑप्शन हो सकता है, 3 प्लस 7, यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इससे आपको हिंट मिल जाएगी अगर आपका आंसर गलत आ रहा होगा, तो 5 प्लस 7 ये भी हमारा नहीं होगा, 1 प्लस 7 हमारा ये, यानी कि इन दोनों में से हमारा एक हो सकता है 29 या 18, तो हम करके देखते हैं कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट मैंने आपको बताया टेंथ डिजिट एक्स आप मान लीजिए, और यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी आपकी 7 उससे ज्यादा, यानी कि एक्स प्लस 7, तो आप नंबर निकाल लीजिए जो ओरिजिनल नंबर है, 10 × x = x + 7। अब 10x प्लस है, ठीक है, यूनिट डिजिट सबका प्लस होता है, 10x + x यानी 11x + 7, ये आपका आ गया नंबर। अब इंटरचेंज के बाद कह रहा है, तो आफ्टर इंटरचेंजिंग, यानी कि आफ्टर इंटरचेंजिंग आपकी यूनिट डिजिट हो जाएगी x और आपकी टेंस डिजिट हो जाएगी x + 7, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी। तो अब आपको न्यू नंबर आपका निकालना है, मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ, ध्यान से मेरी स्क्रीन को आप देखिए, न्यू नंबर आपको निकालना है, तो यानी 10 में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ से 10 में मल्टीप्लाई होगा x + 7 का, भाई टेंस में टेंस, तो ये आ जाएगा आपका 10x + 70 + x, यानी कि 11x + 70, वही आपका आ गया 11x + 70। अब वो क्या कह रहा है, बस दो नंबर मिल गया, इक्वेशन में बनानी है। अब वो क्या कह रहा है, जो हमने इंटरचेंज कराया हमें एक नंबर मिलेगा जो 4 टाइम्स होगा, और अगर हम ओरिजिनल नंबर में से 24 माइनस कर दे और 4 टाइम्स उसका हो जाएगा, ठीक है। तो जो न्यू नंबर होगा वो क्या होगा, 11x + 70, 11x + 70 हमारा न्यू नंबर हो गया, जो हमें नंबर मिलेगा
वो कैसे हम इक्वल बनाएंगे दोनों को, अगर हम ओरिजिनल नंबर का 4 टाइम्स कर दें और उसमें से -24 करते हैं, बस बन गया इक्वेशन, आपको सॉल्व करनी आती है। ठीक है, आपका 29, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें नंबर पूछा है, तुरंत आप कर दीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। वैसे नंबर निकालना भी इसमें इजी है, नंबर क्या था यानी 11 × 2 + 7, तो 22 + 7 आपका आ गया 29। यही आपका था, यही आपका आ गया। इतना पर निकालने की आपको जरूरत नहीं है, 2 से केवल एक ही स्टार्ट हो रहा है ना, 10 से 29। अगर यहाँ भी कुछ 2 से स्टार्ट होता तो हम सोचते। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आपको समझ नहीं आ रहा, तुरंत मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। देयर इज अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट। अब फिर से एक नंबर है 2 डिजिट का, 2 डिजिट की आपको आएंगे इसमें। ठीक है, ये भी यूनिट डिजिट का एक कॉन्सेप्ट है, स्पेशल कॉन्सेप्ट। डिजिट यूनिट प्लेस पर ट्वाइस है 10 डिजिट की, और अगर 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है डिजिट के सम में से, तो डिफरेंस इक्वल हो जाएगा 1/6 ऑफ नंबर के। इंटरचेंज की बात नहीं, लेकिन वही फंडा है। फंडा क्या है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो करना। पहले हम यूनिट डिजिट और 10 डिजिट निकालते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इसको डायरेक्ट आंसर आपको मिल रहा है या नहीं। 2 डिजिट है हमारी, जो यूनिट डिजिट है वो 10 डिजिट की ट्वाइस है, यानी कि x अगर 10 डिजिट होगी तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 2x। तो ऐसा कोई नंबर है जो अपनी 10 डिजिट से दुगना हो जिसकी यूनिट डिजिट देखते हैं? ये तो 2 नहीं है, यानी ऑप्शन कैंसिल हो गया। 2 × 2 = 4 होता है, ये 2 × 2 = 4, ये भी नहीं है 2 × 2 = 4, हाँ ये वाला है और ये भी नहीं है। तो आपको देखिए यहाँ पर ये SSC CGL जो सब टफ माना जाता है, CHSL से भी जिसका लेवल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, उसमें आपका आया है 1 सेकंड में हो गया, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी हमें निकालने की। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है, हमें लगता है हम शायद गलत सोच रहे, ऐसा तो आ ही नहीं सकता। तो आप ये बार बार पढ़िए, यूनिट डिजिट ट्वाइस है, केवल यही एक आपका ऑप्शन है इसमें यूनिट डिजिट ट्वाइस है। अगर वो सपोज करिए ऐसा देता 39 इस ऑप्शन की जगह, तो पूरा करना पड़ता, हमें निकालना पड़ता, क्योंकि 3 3 जाना ही होते। लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें निकालना भी बताऊंगी। ठीक है, ऑप्शन में तो आपको इधर तक ही करना है, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन आपको बदल के कुछ और दे दिया जाए तो आपको निकालना पड़ेगा, तो आपको निकालना भी आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल हो गया, बात 10 डिजिट आपकी हो गई x एंड यूनिट डिजिट आपकी हो गई 2x। ठीक है, तो नंबर आपका बन गया x + 2x = 3x। सिंपल, ये आपका नंबर बन गया। इसमें इंटरचेंज वगैरह की बात नहीं की, वो नहीं करेंगे इसमें, लेकिन क्या बात कही है, अब 2 डिजिट इज सब्ट्रैक्ट, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ डिजिट, डिजिट का सम करना है, उसमें से आपको 2 माइनस करना है। ठीक है, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट भी यही हो गया आपका। अच्छा, मैंने एक चीज यहाँ पर देखिए, एक चीज आपको कर दी कि आपने नोटिस किया मैंने क्या गलत करा है, जिसने भी नोटिस नहीं किया वो मुझे बताइए, नोटिस की या नहीं की तो मैं आपको इधर बता देती हूँ। आप नंबर बता रहे हो और साथ के साथ सोच रहे हो सही है, आप बताइए मुझे इसमें 10 का मल्टीप्लाई नहीं होता, यानी कि 12x नहीं बनता आपका नंबर, यही मिस्टेक हो जाती है, हम डायरेक्ट सम कर देते हैं। मैं आगे भी भड़ गई, जिसने पकड़ लिया उसे कॉन्सेप्ट समझ आ गया। चलिए 12x हो गया। अब सम ऑफ डिजिट में से, सम ऑफ डिजिट क्या होगा, x + 2x, इसमें से हमें 2 माइनस करना है, इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 2 सब्ट्रैक्टेड हो जाए इसमें से, और इसमें से कह रहा है फ्रॉम, तो ये पहले लिखा जाएगा, तो डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर के 1/6 के। सिंपल, जो 1/6 है उसका नंबर का 1/6 कर देंगे, दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी, तो 3x - 2 2x, यानी कि 2x = क्या निकालना था उसमें हमें, नंबर, और यहां से x = 2, 3x - 2x इधर चला जाएगा, यानी कि नंबर आपका कौन सा आ गया, वही, और 2x = 24, पहले ही हमने बता दिया था ऑप्शन में से, लेकिन आपको ऑप्शन ना हो, ये तो सब इंटरचेंजिंग से भी ये वाला मेथड इजी हो गया। तो यहां पर आपके यूनिट डिजिट के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट है
तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मेरी मेल आईडी पर मेल करिए, मेरी मेल आईडी आपने बॉक्स में दे रखी है आपको। बट प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है। बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देखकर छोड़ देते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप देखते हो आपको पढ़ना अच्छा लगता है, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट ऑफ वीडियो। तो आप कोई भी ना एक चैनल पकड़े, मैं ये नहीं कह रही मेरा, उसको ही फॉलो कीजिए क्वांटिटेटिव में स्टेप बाय स्टेप। हर किसी का अपना पढ़ाने का अलग वे होता है, अलग मेथड होता है। तो अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वी मीट यू नेक्स्ट सेशन विद द सेम कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर।